चाबी के लिए अंतरराज के लिए उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि वो ही आए थे क्या हो रहा है इस बेसिकली ये बात सच है कि वो अपने एक मकसद से आए हैं विजयगढ़ के अंदर, बट अभी इस सीन से पहले ऐसा कुछ हुआ है दैट इज एंटर्ड, अभी जब वो एंटर जो करके आते हैं सीन में, इससे पहले ऐसा हुआ है कि कोई मिस्ट्री मैन आया था इस रूम के अंदर जो किसी चाबी की तलाश कर रहा था, और उसके बाद ही फिर ये सब लोग आते हैं एंड चंद्रकांता काफ़ी परेशान है कि कौन सी चाबी की बात हो रही है, कौन था वो आदमी, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी है, कोई भी आ जाता है एंड ऑल दैट। तो पर उसको सडनली याद आता है कि शायद वो जो बोल रहा था किसी चाबी की बात कर रहा था वो शायद मैं जानती हूँ कहाँ है, और वो किसी किसी बक्से में पड़ी है जो अब हम जा रहे हैं इस सीन के अंदर ढूंढने के लिए। सो इसमें वीरेंद्र पे सवाल उठा तो क्रूर सिंह भी बीच में आया, लेकिन सबसे बड़ा शक है इंसान वो अपने शक के जी क्रूर सिंह को शुरू से देखिए वीरेंद्र पसंद नहीं है ज़्यादा, और वो उन्हें इस बात का डेफिनेटली शक है। ऑल्सो क्रूर सिंह जी मेरे सुरक्षा प्रभारी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है टू टेक केयर ऑफ चंद्रकांता एंड सी की कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और ये तो उनको कुछ शक है जिसके बारे में मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। चंद्रकांता को अगर पता चला कि वीरू ही भेस बदल के आया तो चंद्रकांता का रिएक्शन क्या होगा? आई डोंट नो, आजकल मैं तलवार भी चलाती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाबी के लिए अंदर आ चुके हैं लेकिन उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि वो ही आए थे क्या हो रहा है इस बेसिकली ये बात सच है कि वो अपने एक मकसद से आए हैं विजयगढ़ के अंदर, बट अभी इस सीन से पहले ऐसा कुछ हुआ है दैट इज एंटर्ड, अभी जब वो एंटर जो करके आते हैं सीन में, इससे पहले ऐसा हुआ है कि कोई मिस्ट्री मैन आया था इस रूम के अंदर जो किसी चाबी की तलाश कर रहा था, और उसके बाद ही फिर ये सब लोग आते हैं एंड चंद्रकांता काफ़ी परेशान है कि कौन सी चाबी की बात हो रही है, कौन था वो आदमी, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी है, कोई भी आ जाता है एंड ऑल दैट। तो पर उसको सडनली याद आता है कि शायद वो जो बोल रहा था किसी चाबी की बात कर रहा था वो शायद मैं जानती हूँ कहाँ है, और वो किसी किसी बक्से में पड़ी है जो अब हम जा रहे हैं इस सीन के अंदर ढूंढने के लिए। सो इसमें वीरेंद्र पे सवाल उठा तो क्रूर सिंह भी बीच में आया, लेकिन सबसे बड़ा शक है इंसान वो अपने शक के जी क्रूर सिंह को शुरू से देखिए वीरेंद्र पसंद नहीं है ज़्यादा, और वो उन्हें इस बात का डेफिनेटली शक है। ऑल्सो क्रूर सिंह जी मेरे सुरक्षा प्रभारी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है टू टेक केयर ऑफ चंद्रकांता एंड सी की कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और ये तो उनको कुछ शक है जिसके बारे में मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। चंद्रकांता को अगर पता चला कि वीरू ही भेस बदल के आया तो चंद्रकांता का रिएक्शन क्या होगा? आई डोंट नो, आजकल मैं तलवार भी चलाती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाबी के लिए अंदर आ चुके हैं लेकिन उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि वो ही आए थे इस लुक में क्या हो रहा है इस लुक से? बेसिकली ये बात सच है कि वो अपने एक मकसद से आए हैं विजयगढ़ के अंदर, बट अभी इस सीन से पहले ऐसा कुछ हुआ है दैट इज एंटर्ड, अभी जब वो एंटर जो करके आते हैं सीन में, इससे पहले ऐसा हुआ है कि कोई मिस्ट्री मैन आया था इस रूम के अंदर जो किसी चाबी की तलाश कर रहा था, और उसके बाद ही फिर ये सब लोग आते हैं एंड चंद्रकांता काफ़ी परेशान है कि कौन सी चाबी की बात हो रही है, कौन था वो आदमी, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी है, कोई भी आ जाता है एंड ऑल दैट। तो पर उसको सडनली याद आता है कि शायद वो जो बोल रहा था किसी चाबी की बात कर रहा था वो शायद मैं जानती हूँ कहाँ है, और वो किसी किसी बक्से में पड़ी है जो अब हम जा रहे हैं इस सीन के अंदर ढूंढने के लिए। सो इसमें वीरेंद्र पे सवाल उठा तो क्रूर सिंह भी बीच में आया, लेकिन सबसे बड़ा शक है इंसान वो अपने शक के जी क्रूर सिंह को शुरू से देखिए वीरेंद्र पसंद नहीं है ज़्यादा, और वो उन्हें इस बात का डेफिनेटली शक है। ऑल्सो क्रूर सिंह जी मेरे सुरक्षा प्रभारी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है टू टेक केयर ऑफ चंद्रकांता एंड सी की कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और ये तो उनको कुछ शक है जिसके बारे में मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। चंद्रकांता को अगर पता चला कि वीरू ही भेस बदल के आया तो चंद्रकांता का रिएक्शन क्या होगा? आई डोंट नो, आजकल मैं तलवार भी चलाती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।